नमस्ते सलाम आदाब दोस्तों, हमारे चैनल पाइपिंग मंत्रा में आपका स्वागत है। ये हमारे चैनल की हिंदी सीरीज का पहला लेक्चर है। याद रहे कि हम इस टॉपिक पर इंग्लिश में वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पाइपिंग लेआउट के लिए जो बेसिक गाइडलाइंस हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है, पाइपिंग लेआउट पाइपिंग डिजाइंस के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक है, जिसे हम पाइपिंग अरेंजमेंट भी कहते हैं। पाइपिंग लेआउट बनाते वक्त आपको प्लांट के सेफ ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए और इसके साथ साथ प्लांट कॉम्पैक्ट, एफिशिएंट, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। पाइपिंग लेआउट इंजीनियर का काम एक आर्किटेक्ट की तरह होता है, जहां उसे लेआउट बनाने में अपने स्किल, इमेजिनेशन और क्रिएटिव एबिलिटीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेआउट बनाते वक्त हमारा अप्रोच बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए। लेआउट की स्टडी काफी रैशनल तरीके से और खूब ध्यान से की जानी चाहिए। पाइपिंग इंजीनियर के द्वारा डिजाइन को कई सारे पहलुओं से जांचा जाना चाहिए, जो हम वीडियो के आने वाले हिस्सों में देखेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पाइपिंग प्लान्स की। आखिर ये पाइपिंग प्लान्स हैं क्या? एक पाइपिंग प्लान आम तौर पर अलग अलग स्केल में बनाया जाता है। जैसे प्रोसेस यूनिट के पाइपिंग प्लान का स्केल 1/3 होता है, पाइप रैक्स एंड यूटिलिटी स्टोरेज टैंक एरिया के पाइपिंग प्लान का स्केल 1/2 होगा। आमतौर पर फ्लोर वाइज प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन जहां भी आपको लगता है कि डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वहां लोकल सेक्शनल व्यू देना जरूरी होता है। एक पाइपिंग प्लान को 2 चरणों में तैयार किया जाता है, बेसिक पाइपिंग स्टडी प्लान और फाइनल पाइपिंग प्लान। बेसिक पाइपिंग स्टडी प्लान, यह एक कंसेप्चुअल प्रपोजल होता है जहां कुछ जरूरी सेक्शनल व्यू भी दिखाए जाते हैं। इसमें 2 इंच और उससे बड़ी सारी लाइंस दिखाते हैं जो कोई भी PNID में हो। कुछ 2 इंच और उससे छोटी लाइंस भी दिखा सकते हैं अगर वो क्रिटिकल हो। शुरुआत में सबसे पहले हमें क्रिटिकल लाइंस को ही रूट करना चाहिए। अब कौन कौन सी लाइंस क्रिटिकल होती हैं, वो हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि लाइंस जिनका टेम्परेचर हाई है, डायमीटर में काफी बड़ा हो या ग्रेविटी या स्लोप लाइन हो, वो क्रिटिकल होती है। हमें सारे इंपॉर्टेंट कंट्रोल स्टेशन, रोटामीटर स्टेशन, जैसे कि फ्लो एलिमेंट, वॉल्स, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाने होते हैं। इसी के साथ सारे इक्विपमेंट, उनकी लोकेशन और ओरिएंटेशन और उनके प्लेटफॉर्म साइजेस, पाइपिंग इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट्स के लोकेशन और एलिवेशन जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए यूज होंगे, वो भी शो करते हैं। तो बेसिक पाइपिंग स्टडी प्लान का आउटकम क्या निकालता है? ये इक्विपमेंट लोकेशन को फ्रीज करता है, इक्विपमेंट का नोजल ओरिएंटेशन और लैडर प्लेटफॉर्म एंड सपोर्ट क्लिप की जानकारी फाइनल करता है, जिन लाइनों का थर्मल स्ट्रेस एनालिसिस करना है उनका डेटा स्ट्रेस ग्रुप को दे दिया जाता है, टॉप ऑफ फाउंडेशन एलिवेशंस और बाकी दूसरा रिलेटेड डेटा जो सिविल डिजाइन के लिए जरूरी है वो प्रोवाइड करवाता है, मॉडल ग्रुप को जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो उन्हें स्केल मॉडल बनाने में मददगार हो, अगर स्केल मॉडल बन रहा हो तो। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल के जरिए बनाए केबल रूटिंग को फाइनल करने के लिए पाइप्स और फिटिंग्स का बिल ऑफ मटेरियल, जिसे आमतौर पर मैनुअल MTO भी कहा जाता है, वो तैयार किया जाता है। आमतौर पर दूसरे डिपार्टमेंट के साथ साथ स्ट्रेस ग्रुप से और कई बार लाइसेंसर क्लाइंट से जो कमेंट्स मिलते हैं, उससे पाइपिंग प्लान को और अपडेट किया जाता है। अब देखते हैं फाइनल पाइपिंग प्लान क्या होता है। बेसिक पाइपिंग स्टडी प्लान अब इतना तैयार हो चुका होता है कि अब इससे हम फाइनल पाइपिंग प्लान बना सकते हैं, जिसमें हम अब प्लान व्यू और सेक्शनल व्यू में 2 इंच और उससे बड़ी सारी पाइपलाइंस दिखाते हैं और अगर जरूरत हुई तो 2 इंच और उससे छोटी लाइंस भी शो कर सकते हैं। बस शर्त है कि क्लैरिटी बनी रहे ड्रॉइंग्स में। तो अब हमारा फाइनल पाइपिंग प्लान हम कंस्ट्रक्शन को इशू कर सकते हैं। अब देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से हमें क्या इनपुट चाहिए पाइपिंग लेआउट बनाने के लिए। प्रोसेस से हमें फाइनल PNID, वेंडर डेटा फॉर पंप, कंप्रेसर एंड अदर पैकेजेस चाहिए होता है। मैकेनिकल से हमें स्टैटिक इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन चाहिए।
इंस्ट्रूमेंटेशन से हमें हुकअप डायग्राम्स, प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंट इंटरफेस चाहिए एंड पाइपिंग से हमें पाइपिंग स्पेसिफिकेशन एंड यूनिट प्लॉट प्लान चाहिए। अब बारी आती है लाइन रूटिंग के प्रोसीजर जानने की। पीएनआईडी के मुताबिक पाइप को प्रोसेस रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए, नोट्स में लिखी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना चाहिए, जैसे स्लोप, लूप साइज, लेंथ ऑफ बैरोमेट्रिक लेग्स, पाइप लेंथ की रिस्ट्रिक्शन इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेग, डिजायर्ड लोकेशन ऑफ वॉल्स और कंट्रोल वॉल्स। हमें पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से स्टैंडर्ड फिटिंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पाइपिंग रूटिंग काफी साफ और सरल तरीके से करनी चाहिए, ये ना हो कि वो काफी कॉम्प्लेक्स दिखे। हमें अच्छी खासी जगह बना के रखनी चाहिए रूटिंग करते वक्त। शुरुआत से ही दो पाइप्स के बीच में जो क्लियरेंस होना चाहिए उसे प्रॉपरली कैलकुलेट करके, हो सके तो स्टैगर्ड फ्लैंजेस रख के स्पेसिंग करें, या फिर अगर क्लाइंट की तरफ से कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उसका पालन करें। और क्लियरेंस कैलकुलेट करते वक्त सबसे अहम बात यह है कि इंसुलेशन थिकनेस और थर्मल मूवमेंट के बारे में पूरा ख्याल रखें। लाइन रूटिंग कम से कम लंबाई की होनी चाहिए और सपोर्टिंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रूटिंग करते वक्त किसी भी स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और फाउंडेशन एक्सेट्रा से कम 50 mm से 200 mm का क्लियरेंस होना चाहिए। ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर्पसेस के लिए एक्सेस का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि आमतौर पर वॉल्व के आसपास का जगह। आपने देखा होगा कई बार हम लोग वॉल्व स्टेम वर्टिकल पोजीशन में यूज करते हैं, वो इसलिए ताकि ऑपरेशन और मेंटेनेंस में आसानी हो सके और इससे ऑपरेशन एरिया में मिनिमम रुकावट होती है। लेकिन जैसे जैसे वॉल्व की साइज बड़ी होती है, हमें वर्टिकल स्टेम इस्तेमाल करते वक्त एक्सेस चेक करना जरूरी हो जाता है कि वो वॉल्व, हैंड व्हील और लिवर कहीं एक्सेस रेंज में तो नहीं। जहां कभी भी एक्सटेंडेड स्पिंडल, जो कि मेन फ्लोर से नीचे जो लाइन चलती है उस वॉल्व में देते हैं, उन पे हेड स्टॉक और चेन ऑपरेटेड वॉल्व का इंडिकेशन सही होना चाहिए। ऐसे वॉल्व जो अपनी प्रोसेस कंसिडरेशन की वजह से 2.2 मीटर या फिर जो भी मैन हाइट हो उससे ऊपर हो, तो उसके ऑपरेशन के लिए चेन व्हील देना चाहिए। ऐसे वॉल्व की स्टेम हमेशा हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, जो कि फ्लोर के फ्लोर या प्लेटफॉर्म से एक क्लोज एंड चेन से ऑपरेट हो सके। याद रखें कि ये अरेंजमेंट स्क्रू एंड वॉल्व में यूज नहीं होता। वॉल्व स्टेम कभी भी हॉरिजॉन्टल से नीचे पोजीशन में इंस्टॉल नहीं किया जाता, वरना उससे ग्लैंड के जरिए लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसे में केसिंग कवर में स्टैग्नेंट फ्लूइड यानी ठहरे हुए फ्लूइड का जमा होने के चांसेस होते हैं, नहीं तो केसिंग कवर में ड्रेन की जरूरत हो जाती है। हॉरिजॉन्टल स्टेम गियर ऑपरेटेड और मोटराइज्ड वॉल्व्स के गियर बॉक्स और एक्चुएटर का ओरिएंटेशन हमेशा चेक करना जरूरी है, कहीं गियर बॉक्स असेंबली किसी पाइपिंग स्ट्रक्चर या फिर एक्सेसवे के बीच में तो नहीं आ रही है। हैंड व्हील हमेशा ऑपरेटिंग साइड पे ही होना चाहिए जहां एक्सेस दिया गया हो। कभी कभी हम लॉक्ड ओपन वॉल्व का यूज करते हैं, तो ऐसे में जहां तक पॉसिबल हो हमें चाहिए कि हम वॉल्व स्टेम को हॉरिजॉन्टल ही रखें। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि गलती से कभी प्लग या डिस्क स्टेम से डिसएंगेज होकर वॉल्व बंद ना हो जाए। हमें एनआरवीज के लिए कुछ कंसिडरेशन करने चाहिए, जैसे स्विंग चेक वॉल्व की पोजीशन हॉरिजॉन्टल हो, लेकिन अगर फ्लूइड का फ्लो नीचे से ऊपर है तो वर्टिकल पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं। लिफ्ट चेक वॉल्व की पोजीशन हॉरिजॉन्टल ही हो सकती है, वर्टिकल में नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं सेफ्टी वॉल्व की। जब सेफ्टी वॉल्व जो वेपर या स्टीम डिस्चार्ज करे, तो उस आउटलेट पाइप को वॉल्व के 15 मीटर के सर्कल में मौजूद किसी भी इक्विपमेंट या सर्विस प्लेटफॉर्म से कम 3 मीटर ऊपर जाकर टर्मिनेट करना चाहिए। लोएस्ट पॉइंट पे एक 3/8 inch डाया का वीप होल देना चाहिए ड्रेनेज के लिए। इसके अलावा जो लाइन ओपन टू एटमोस्फेयर होती है उसके एक टॉप एंड में रेन हुड, बर्ड स्क्रीन या फिर 45 डिग्री एल्बो जिसका ओपन एंड वर्टिकली कट किया गया हो प्रोवाइड करना चाहिए।
ताकि इससे निकलने वाले डिस्चार्ज से परिंदों को बचाया जा सके और बारिश में ओपन एंड में पानी ना जमा हो सके। पाइपिंग कभी भी ग्रेड या ग्राउंड पर नहीं होनी चाहिए जहां फ्रीक्वेंटली लोगों का मूवमेंट होता है। क्रेन और होइस्ट जो मैकेनिकल हैंडलिंग के लिए यूज होंगे उसके लिए पूरा क्लियरेंस होना चाहिए और साथ में इक्विपमेंट के रिमूवल के लिए सफिशिएंट स्पेस भी होना चाहिए। जिन वॉल्व का वेट 45 किलो से ज्यादा होगा उनको हैंडल करने या उठाने के लिए लिफ्टिंग डिवाइस का प्रोविजन होना चाहिए, जैसे डेविट चेन पुली ब्लॉक। या इस जगह पर पाइपिंग इस तरह से रूट की जानी चाहिए कि ये इन हैंडलिंग इक्विपमेंट के ऑपरेशन के बीच में ना आए। पाइपिंग इस तरह से रूट हो एक इक्विपमेंट जैसे पंप, टर्बाइन, कंप्रेसर, एजिटेटर्स या हीट एक्सचेंजर के ट्यूब बंडल और स्ट्रेनर की स्क्रीन, जिसे आप फिल्टर भी कह सकते हो, उन सभी के आसपास में अच्छी तरह से एक्सेस मिल सके। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेनर्स की। पहला है वाई और टी टाइप स्ट्रेनर। स्ट्रेनर स्क्रीन को नीचे से निकालने के लिए स्ट्रेनर आमतौर पर हॉरिजॉन्टल पाइपिंग लेग में इंस्टॉल होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सॉलिड पार्टिकल्स जो भी स्ट्रेनर में जमा हुए हैं उसको आसानी से निकाला जा सके। जब ये स्ट्रेनर पंप सक्शन में यूज होते हैं तो इन पाइपलाइन को 45 डिग्री या कभी कभी 90 डिग्री के एक्सिस पर रोटेट करना पड़ता है ताकि उनके स्क्रीन को निकाला जा सके, जो कि कई बार सक्शन पाइपिंग के जमीन से लो एलिवेशन पे होने की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता। बास्केट टाइप स्ट्रेनर्स। इस तरह के स्ट्रेनर्स में स्क्रीन को ऊपर से निकाला जाता है। स्ट्रेनर के ऊपर खाली जगह होनी चाहिए ताकि स्ट्रेनर का टॉप कवर एंड स्क्रीन एलिमेंट आसानी से निकाला जा सके। पाइप इस तरह से रूट किया जाना चाहिए कि ये इसे क्रॉस ना करे और ना ही बाधा करे। कोनिकल स्ट्रेनर्स। इस तरह के स्ट्रेनर्स को इंस्टॉल करने के लिए पाइप में रिमूवेबल स्पूल देना पड़ता है और ये स्पूल की लेंथ स्ट्रेनर की लेंथ के बराबर होती है। आमतौर पर सिर्फ कोनिकल स्ट्रेनर ही खरीदा जाता है और रिमूवेबल स्पूल पाइपिंग के स्कोप में रखा जाता है। लेआउट करते वक्त यहाँ कई बार रिमूवेबल स्पूल मिस हो जाता है तो इसका ध्यान देना पड़ता है। सभी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो इनलाइन हो या ऑनलाइन, चाहे कंट्रोल वॉल्व हो, वो एक्सेसिबल होना चाहिए, चाहे ग्रेड से हो या परमानेंट प्लेटफॉर्म से हो। हम जल्द ही एक नया हिंदी वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और लेआउट का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिक्वायरमेंट है उस पर बात करेंगे। सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। कॉलम पाइपिंग करते वक्त कॉलम मैनवे के लिए एडिक्वेट प्लेटफॉर्म और लैडर का इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम डिसमेंटलिंग पाइप वर्क के जरिए इक्विपमेंट रिमूव हो, इस तरह से पाइपिंग लेआउट होना चाहिए। इसी तरह सभी डिप पाइप आसानी से रिमूव होना चाहिए। जहां जहां पॉसिबल है वहां पाइप रूटिंग में पॉकेट से बचना चाहिए, खास तौर पे जब हम रिलीफ हेडर्स की पाइपिंग कर रहे हो। हाई टेम्परेचर की लाइंस को हमेशा इलेक्ट्रिकल लाइन से दूर रूट करना चाहिए और स्टीम कंडेंसेट लाइन का डिस्चार्ज कभी भी ऐसी जगह नहीं करना चाहिए जहां आसपास इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट हो। हाई टेम्परेचर लाइंस की रूटिंग करते वक्त स्ट्रेस इंजीनियर की सहमति और सजेशन का ध्यान रखना चाहिए ताकि लाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आ सके और लाइन रिजिड ना हो। सैंपल लाइन जितनी हो सके उतनी छोटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं अदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। आमतौर पर इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रिकल केबल ट्रेस पाइप के ऊपर रखी जाती हैं ताकि अगर लीकेज होता है तो ये केबल्स को नुकसान ना कर सके। और कुछ लोकेशन जहां केबल ट्रेस पाइपलाइंस के साइड में रूट की होती हैं, ये सलाह दी जाती है कि हॉट पाइप के साथ साथ ऐसी लाइंस जो फ्लेमेबल फ्लूइड कैरी कर रही हैं उनको केबल से नज़दीक ना रखें। पाइप रैक पर जहां तक पॉसिबल हो बड़े डायमीटर वाली लाइंस स्ट्रक्चर कॉलम के पास होनी चाहिए और छोटे डायमीटर वाली लाइंस रैक के बीच में रूट करनी चाहिए, जिससे पाइप रैक का जो क्रॉस मेंबर है उसमें डिफ्लेक्शन कम हो। जहां एक से ज्यादा टेयर वाला पाइप रैक हो तो छोटे डायमीटर वाली लाइंस को एक टायर पर रखना बेहतर है, ना कि हर टायर पर डिस्ट्रीब्यूट करना। सारी हाई टेम्परेचर वाली लाइंस को
स्टैक पर एक साथ रखना चाहिए ताकि एक्सपेंशन लूप देने में आसानी हो। जब पाइपिंग पैरेलल अरेंजमेंट में रखे हुए दो या उससे ज्यादा इक्विपमेंट से जुड़ा हो तो जहां तक पॉसिबल हो सिमेट्रिकल पाइपिंग होनी चाहिए। इससे जब स्टैंडबाय इक्विपमेंट ऑपरेशन में आए तो सिस्टम में एक जैसा प्रेशर ड्रॉप होगा। सभी सैडल सपोर्टेड इक्विपमेंट में एक सैडल फिक्स्ड होता है और एक स्लाइडिंग। जब ऐसे इक्विपमेंट से कनेक्टेड बिग बोर लाइंस की रूटिंग फाइनल हो जाए तो फिक्स्ड और स्लाइडिंग सैडल को इस तरह सेलेक्ट करना चाहिए कि कम से कम थर्मल मूवमेंट आए और ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन को इक्विपमेंट अब्सॉर्ब कर ले। जैसे मैंने बताया, हमने थर्मल एक्सपेंशन पर एक वीडियो बनाया है, उसमें भी हमने इस तरह के एग्जाम्पल की बात की है। हमें सिर्फ अपनी ही बैटरी लिमिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जो लाइन तुम्हारी बैटरी लिमिट से बाहर जा रही है किसी भी ड्राइंग में या दूसरी बैटरी लिमिट से तुम्हारी बैटरी लिमिट में आ रही है, उन सारी लाइंस के सही मैच लाइन कोऑर्डिनेट्स और एलिवेशन उनके रिस्पेक्टिव ड्राइंग में दिखाए जाने चाहिए। दो या दो से ज़्यादा अलग पाइपिंग प्लान्स पर दिखाई जाने वाली लाइन्स के लिए ये ज़रूरी है कि उनका ओवरऑल प्रोफाइल को गौर से स्टडी किया जाए। रिड्यूसर्स, एसेंट्रिक और कंसेंट्रिक रिड्यूसर्स का सिलेक्शन सही ढंग से किया जाना चाहिए। इसे आसानी से समझाने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंट्रोल वॉल्व और वर्टिकल लेग्स में हम कंसेंट्रिक रिड्यूसर्स यूज करते हैं, एसेंट्रिक रिड्यूसर हॉरिजॉन्टल लेग्स में हम यूज करते हैं टू मैच द बॉटम ऑफ पाइप। एसेंट्रिक रिड्यूसर हमें फ्लैट साइड डाउन या फ्लैट साइड अप कब यूज करना है वो उसकी पोजीशन और लाइन की सर्विस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि पंप में हम फ्लैट साइड अप रिड्यूसर यूज करते हैं सिर्फ उन लाइंस को छोड़ के जिनमें स्लरी फ्लूइड फ्लो हो। कंट्रोल वॉल्व और ऐसे पंप जो स्लरी फ्लूइड हैंडल करते हैं उनके सक्शन में और रैक में हम लोग फ्लैट साइड डाउन रिड्यूसर यूज करते हैं। अब बात करते हैं वेंट्स और ड्रेन्स की। लाइन के प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि वेंट और ड्रेन की कहां जरूरत है। ऐसे वेंट्स और ड्रेन्स जो प्लांट के स्टार्टअप या शटडाउन में यूज हों, उन वेंट्स और ड्रेन्स में वॉल्व देना जरूरी होता है और उन्हें प्रोसेस वेंट्स और ड्रेन्स कहा जाता है। ऐसे वेंट्स और ड्रेन्स जो हाइड्रो टेस्टिंग में ही यूज हों, उनमें सिर्फ कपलिंग के साथ प्लग काफी होता है, उनमें वॉल्व की जरूरत नहीं होती। अब जरा एक नज़र ड्राइंग कंटेंट पे डालते हैं। हम प्लांट नॉर्थ डायरेक्शन और ट्रू नॉर्थ दिखाते हैं और अगर पॉसिबल हो तो विंड डायरेक्शन भी शो करते हैं। इक्विपमेंट में पाइपिंग नोजल्स, इंस्ट्रूमेंट नोजल्स और दूसरे नोजल्स लाइक मैन होल सब दिखाए जाने चाहिए। जहां भी फ्लैंज जॉइंट आए उन्हें हमेशा ज़रूर शो करना चाहिए। पाइपिंग प्लान में जितना भी टाइप का वॉल्व यूज होता है, जैसे गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व और बटरफ्लाई वॉल्व इत्यादि, सभी उनके प्रॉपर सिंबल के जरिए दिखाए जाने चाहिए और खास तौर पर उनके हैंड व्हील या लिवर का डायरेक्शन भी शो करना चाहिए। हर एक पाइपलाइन को जो लाइन नंबर PNID में दिया गया है, बिल्कुल उसी तरह पाइपिंग लेआउट में भी नंबर देना चाहिए। आप हमारा बनाया हुआ वीडियो देख सकते हैं जो हमने PNID पर बनाया है। सेंटर लाइन एलिवेशन और टॉप ऑफ स्टील एलिवेशन के जरिए हर एक पाइप का एलिवेशन शो करना चाहिए। सारी लाइंस कम्प्लीटली डायमेंशनड भी होनी चाहिए। सारे प्लेटफॉर्म, लैडर और स्टेयर दिखाने चाहिए। जहां भी पाइप क्लास में चेंज आ रहा है वो साफ साफ दिखाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ इक्विपमेंट नोजल्स और इंस्ट्रूमेंट नोजल्स के साथ कनेक्ट होने वाले फ्लैंज हायर रेटिंग के हों। ऐसे सारे केसेस हमें अपने पाइपिंग स्टडी प्लान में दिखाने चाहिए। सारे फिटिंग्स, वॉल्व्स, इंस्ट्रूमेंट कनेक्शंस इत्यादि भी हमें पाइपिंग प्लान में दिखाने चाहिए। जिस तरह PNID में पाइपिंग आइटम, इंस्ट्रूमेंट्स आइटम और प्रोसेस आइटम इत्यादि का टैग नंबर दिया जाता है, वैसे ही टैग नंबर हमें पाइपिंग प्लान में भी शो करना चाहिए। जो फिटिंग या आइटम पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन में कवर नहीं होता, उसको स्पेशल फिटिंग यानी SSP नंबर का कॉल आउट देना चाहिए और इसकी लिस्ट बना के रखनी चाहिए। यूटिलिटी स्टेशंस और सेफ्टी शावर्स की लोकेशन शो करनी चाहिए।
सारे पाइप सपोर्ट जैसे शू, गाइड, एंकर, जिन्हें हम प्राइमरी सपोर्ट बोलते हैं, इनका कॉल आउट होना चाहिए पाइपिंग प्लान पे। जहां जहां सेकेंडरी सपोर्ट और स्पेशल सपोर्ट आ रहे हों, वो भी उनकी टैगिंग के हिसाब से शो करने चाहिए। 6 इंच डायमीटर या उससे छोटी सारी लाइंस हमें सिंगल लाइन में शो करनी चाहिए और 8 इंच और उससे बड़ी लाइंस हमें डबल लाइन में दिखानी चाहिए। बैटरी लिमिट्स पे मैच लाइन सही से दिखाए जाने चाहिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।